हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड में आपका स्वागत है। मैं हूं हाशिम और आज आपको एक और गेम के बारे में बताऊंगा जो ब्लाइंड लोग खेल सकते हैं, जिसका नाम है ब्लाइंड ड्रॉइड माइंड स्वीपर, जिसकी रेटिंग 4.4 है और साइज है 2.5 MB। प्ले स्टोर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस जो गेम है इसकी स्पेलिंग बता देता हूं मैं, BLIND ब्लाइंड और ड्रॉइड, ठीक है, ब्लाइंड ड्रॉइड है। डी फॉर डॉल, R फॉर रोबोट, O फॉर ऑरेंज, I फॉर इंडिया और D ड्रॉइड। माइंड, M फॉर मंकी, I फॉर इंडिया, N फॉर नवंबर, E फॉर एलिफेंट। माइंड, अब स्वीपर की स्पेलिंग है, S फॉर सन, W फॉर वॉच, E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट, P फॉर पैरोट, E फॉर एलिफेंट, R फॉर रैबिट। तो S W E E P E R, डबल E आएंगे बीच में, ठीक है। ब्लाइंड ड्रॉइड माइंड स्वीपर माइंड रिलेटेड गेम है ये, उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस गेम में क्या कर रहता है, आपको एक बोर्ड दे दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे स्क्वायर रहेंगे और आपको सही स्क्वायर खोलना है बिना बॉम्ब वाले। उसमें 6 बॉम्ब भी रहते हैं स्टार्टिंग में, तो उनसे बचना है और सही स्क्वायर खोलकर गेम को जीतना है, ठीक है। तो हम इस गेम को देख लेते हैं। एप्लीकेशन सर्च ब्लाइंड ड्रॉइड माइंड स्वीपर, ठीक है, ब्लाइंड ड्रॉइड माइंड स्वीपर। अबाउट सर, वो सबसे ऊपर फ्रेंड्स अबाउट है, तो इसमें आप नियम देख सकते हो about. इसमें जाके ये इसमें नियम है इसके। The object of the game is to open all non-mined squares. Game rules: tap the square to open it. In case the square is empty, then the number of mines nearby will be displayed in it. If there are no mines nearby, then all non-mined squares nearby will also be opened. Using these numbers. ठीक है, तो आप और पढ़ लेना और ध्यान से, और मोर ऑप्शन दिखा देता हूँ। मोर ऑप्शन में क्या क्या है, साउंड अगर आपको पॉज करना है तो बंद कर सकते हो आप। ब्लाइंड ड्रॉइड मोड यानी वो मोड है जिसमें हमें डबल टैप और जो वॉइस नेविगेशन मिल रहा है, तो उसे तो हम बंद नहीं करेंगे। Settings. और वैसे वो बंद होगा भी नहीं, टॉकबैक से रिलेटेड है वो, टॉकबैक ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए। और उसके नीचे सेटिंग में है क्या है, बोर्ड साइज, साइज बढ़ाना है अगर बोर्ड का अलग अलग लेवल पे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे है, डिफॉल्ट सेटिंग पे सेट है, पर आप चाहे तो बदल सकते हो। सेम साइज फॉर ऑल लेवल्स, अनचेक फॉर इंडिविजुअल सेटिंग्स फॉर ईच लेवल, चेक्ड, अनचेक, ट्रेनी, डिफॉल्ट सेटिंग, ट्रेनिंग, बिगिनर, डिफॉल्ट सेटिंग्स, डिसेबल। ये तो सब पे डिफॉल्ट सेट है, पर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो साइज। वैसे साइज बदलने कुछ वो फायदा तो नहीं है। साउंड भी है, साउंड फिर एक्सेसिबिलिटी, साउंड में भी डिफॉल्ट पे सेट है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी में TTS वगैरह चेंज करना होता है आपको। ब्लाइंड ड्रॉइड मोड डिपेंड्स ऑन टॉकबैक, माय ब्लाइंड ड्रॉइड मोड डिपेंड्स ऑन टॉकबैक, तो टॉकबैक ऑन रहेगा तो ब्लाइंड ड्रॉइड मोड ऑन रहेगा। स्पीच लैंग्वेज वॉइस एप्लीकेशन लैंग्वेज वॉइस स्पीच रेट वगैरह, वो TTS सेटिंग से आप चाहे तो यहाँ से वो उसे बदल सकते हो, पर उसे आपको डिफॉल्ट से हटाना होगा। तो हम गेम देख लेते हैं, इसमें 4 लेवल हैं। डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट, डिफिकल्टी लेवल सबसे ऊपर है, ट्रेनी, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। तो हम ट्रेनी पे चलते हैं। तो ये गेम ओपन हो चुका है और देखिए इसमें सबसे ऊपर उल्टे हाथ तरफ सबसे ऊपर टाइम चल रहा है, क्योंकि हमें स्कोर बनाना है, और सीधे हाथ तरफ सबसे ऊपर है 36 क्लोज्ड स्क्वायर्स, 6 फ्लैग माइंस। 36 क्लोज्ड स्क्वायर यानी 36 क्लोज्ड स्क्वायर हैं, चौकोर जो हैं वो 36 हैं जो बंद हैं, और उनके अंदर 6 जो हैं बॉम्ब छुपे हुए हैं। और यहाँ पे एक मोर ऑप्शन है, पर वो मोर ऑप्शन तो मैं दिखाई चुका हूँ पहले ही। नीचे एक बटन है रीसेट गेम करने के लिए, न्यू गेम लगाने के लिए, तो वो न्यू गेम लगाने के लिए फिर, ठीक है। तो मैं एक आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे की ओर गिनती है, ए बी सी डी ई एफ, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ है 1 2 3 4 5 6। A1 ओपन करता हूं मैं, A1 क्लोज्ड, A1 ओपन हुआ। अब देखिए यहां से सुन के पता चलेगा कि इसके पास बॉम्ब है या नहीं। A2 क्लोज्ड, A2 क्लोज है, A1 पे देखते हैं हम। उसके अंदर एक बॉम्ब छुपा हुआ है, तो ऐसे हमें बच बच के
ये ध्यान रख के किसके वो सुनकर हमें कि आसपास कितने बॉम्ब हो सकते हैं वो अंदाज़ा लगाकर हमें जो है इस गेम को खेलना है। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे स्क्वायर कम होंगे, 35 क्लोज्ड स्क्वायर्स, मैंने एक ओपन कर दिया तो 35 हो गए, और 6 फ्लैग माइंड, और जो बॉम्ब छुपे हुए हैं जब आपको लगे उसके अंदर बॉम्ब है तो आपको इस पर जो होल्ड करके उस स्क्वायर पे होल्ड करके उस पर फ्लैग लगाना। देखिए जैसे अभी सपोज मैं कहूँ इसके नीचे बॉम्ब है, B6 जो E6 बोला है उसने, उसके अंदर बॉम्ब है तो मुझे उस पर अगर फ्लैग लगाना है सेफ्टी के लिए तो उस पर होल्ड करूँगा। ये देखिए उस पर फ्लैग लग गया, तो फिर उसको डबल टैप करूँगा तब तक वो नहीं हटेगा। अगर आपको वो लगे कि इसके अंदर वो बॉम्ब नहीं है तो फिर से होल्ड डबल फ्लैग बोल रहा है, फिर से डबल टैप किया और लॉन्ग प्रेस, ये झंडा हट गया। तो बस बॉम्ब वाले जो 6 जो बचेंगे स्क्वायर उन पे हमें झंडा लगाना है। तो अब मैं दिखा देता हूँ बॉम्ब जब इसमें ओपन होता है तो कैसा लगता है। इसके अंदर बॉम्ब नहीं है, B3 ये बॉम्ब से B2 exploded, तो अब देखिए B2 में बॉम्ब था। अब मैं इसको टच करके देखता हूँ, ये देखिए B1 बता रहा था कि 1 माइंड है, तो B2 exploded हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं किसमें बॉम्ब है, C4 माइंड, यानी कि C4 में भी बॉम्ब था। तो बस आप देख लेना गेम के, और गेम खेलकर अच्छा गेम है तो माइंड से बचना है और जो इसके स्क्वायर से उन्हें ओपन करना, ये गेम है बहुत अच्छा गेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था, लाइक करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए, और डिसलाइक करना वीडियो को अगर वीडियो में कोई गड़बड़ हो या कोई कमी रह गई हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि उसको सुधार सकूँ मैं। और शेयर करना फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। और आखिरी में सब्सक्राइब करना हमारे चैनलों को जिनने अब तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।